Good morning, dear students. Welcome to 7th standard. Today we are starting our first Hindi poem, Padna Kijiye Padna Hai. So, आज पहले हम शुरू करेंगे कवि परिचय. इस कविता को जिसने लिखा है उस कवि का नाम है चंपा सिंह यादव नयन. इनका जन्म हुआ 1st नवंबर 1925. जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश के कानपुर. बाल गीत है. बाल गीत का मतलब है जो बच्चों के लिए गाने लिखते हैं उनको बाल गीत बोलते हैं. इनके कुछ बाल गीत है स्कूल भूल गए, खालो आम, किसान भी आदि. इसको कविता में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं वो है कि पढ़ना का मतलब है रीडिंग, ऊपर अप, हमको अस, इम्तिहान एग्जाम, इनाम प्राइज, मेहनत हार्ड वर्क, पथ रोड. आज हम ये कविता शुरू करेंगे. पढ़ना है कि पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है. हम जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक हम लोगों के नजर में ऊपर नहीं चढ़ेंगे. सो इसीलिए हमें क्या करना है, खूब यानी कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है. थोड़े दिन की बात और है जमकर खूब पढ़ेंगे हम. बस थोड़े दिन की ही बात होती है, उसके बाद हमारे तो एग्जाम आ जाते हैं. इसलिए हमें क्या करना है, थोड़ा दिन तो हार्ड वर्क करके हमें पढ़ना ही पड़ता है. उसके बाद क्या है, हमारी एग्जाम आ जाती है. इम्तिहान में ताल ठोककर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम. इम्तिहान का मतलब है एग्जाम. एग्जाम क्या होता है, हमारे लिए एक युद्ध के जैसा होता है. इसलिए हमें क्या करना है, उस युद्ध में लड़ने के लिए हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होती है. अच्छे से पढ़ाई करने के बाद उस एग्जाम में हम अच्छे से पास हो जाएंगे. इसीलिए यहाँ पे पढ़ाई को एक कुश्ती की तरह माना गया है. जब तक हम अच्छे से प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक हम इस एग्जाम में पास नहीं हो पाएंगे. इसीलिए हमें थोड़े दिन तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना ही पड़ता है. पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है. सब लोगों के नजर में हमें ऊपर उठना है तो एग्जाम में पास होना ही पड़ता है. तभी क्या करना है, हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है. फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मजे के दिन. अगर एग्जाम सब खत्म हो गए तो हमारे लिए क्या आ जाती है, गर्मी की छुट्टी यानी कि समर हॉलीडेज. तब तो हमें पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं रहता है, तब क्या करना रहता, सिर्फ मौज मस्ती, खेलना कूदना वही सब रहता है. पिक्चर होगी, पिकनिक होगी, होंगे तब मस्ती के दिन. हमें छुट्टियों में क्या होता है, मस्ती मौज करने के दिन होते हैं और पिक्चर देखने की, पिकनिक जाने की, ये सब दिन हमें गर्मियों की छुट्टियों में ही मिलती है. इसलिए पहले हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, फिर एग्जाम पास करनी है, उसके बाद ही गर्मी की छुट्टियों को हम एंजॉय कर पाएंगे. मेहनत